राधे कृष्ण दोस्तों, 10 दिन पूर्व भजन होगा तो 11वें दिन कोई भोग हमें परास्त करता है। 2 महीने ब्रह्मचर्य चलते हैं, पर आकर्षण के कारण केवल 2 मिनट में वीर्य नाश हो जाता है। फिर हम घबरा जाते हैं कि अब क्या करें। इसलिए मित्रों, डरो मत, आपके अहंकार को मिटाने के लिए ये सारी लीलाएं हो रही है, वरना हमारे प्रभु अभी इसी क्षण आपको विकारों से मुक्त कर देंगे और विरक्त बना देते। इतने सामर्थ्यशाली है हमारे प्रभु, उनके एक संकल्प से, एक विचार से सृष्टि प्रकट हुई थी। देखिए कितनी बड़ी बात है। इसलिए अपने उदासीनता को देखने के जगह प्रभु की कृपा को देखिए, पर इसके लिए आपको विकारों में, माया में जलना ही पड़ेगा, रोना ही पड़ेगा। सबको रोना पड़ा था, सृष्टि के सब साधक संतों को रोना पड़ा था, इस आग से गुजरना ही पड़ा था। प्रभु से ऐसे थोड़ी मिलन होगा, उसके लिए आत्मा को वैसा तैयार करना पड़ता है। हीरा तो मूलतः हीरा ही होता है, परंतु जब वो तपता है तब ही चमकता है। इसलिए आप वो हीरा हो और आपको चमकने के लिए तपना ही पड़ेगा। रातों रात थोड़ी ना भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए ऐसा ना समझना कि हमें प्रभु आग में रख के और दूसरे साधकों को बड़ा सुख दे रहे हैं, उन्हें वैरागी बना रहे हैं। कोई वैरागी नहीं है, वो उसी आग से जल के आए हैं। तो हमें हताश नहीं होना है, टूटना नहीं है कि इतना ब्रह्मचर्य में रहा, इतना नियमों में रहा, फिर भी विकार है कि पीछा ही नहीं छोड़ रहे। क्या कमी रह गई, पाठ करते हैं, नाम जप कीर्तन सब करते हैं, फिर भी माया का प्रभाव। तो ऐसे में बिल्कुल मत घबराना, डरना नहीं। एक क्षण में श्री कृष्ण कृपा से बात बन जाएगी। अब एकदम ध्यान से सुनो, 1000 बार गिरने के बाद भी हारना मत, क्योंकि जितनी बार हारोगे उतनी बार ऊंचे उठते चले जाओगे। ये हमें समझ नहीं आता, पर आप शरणागत हो, यही शरण्य आपको ऊपर उठाते चला जाएगा। धनुष को जब लंबा छोड़ना होता है ना, तब उतना ही उसकी 2 तारों को पीछे खींचना पड़ता है। तात्पर्य ये कि आगे जाने के लिए पीछे आना ही पड़ता है। बहुत कष्ट सहने के बाद भी विषय आकर्षण बंद नहीं होते, तो ऐसे में क्या करें? तो बस जैसे है वैसे चलते रहे। आप शरणागत है, आप श्री जी के चरणों के आश्रित है। कोई भी साधक निराश ना हो, क्योंकि ये एक कृपा से नष्ट हो जाएगा। बस आप नाम जप मत छोड़िए और कोशिश करें कि एक एक माला बढ़ाते जाए। नाम की महिमा अपार है मित्रों, तथा भगवत आश्रय में स्थित रहे, आश्रय को नहीं छोड़ना है। हम श्री जी के आश्रित है तो कोई हमें परास्त नहीं कर सकता। ये बात हमें अलग तरीके का उत्साह देगी। आश्रय पर ध्यान दीजिए, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, इसमें आपका कोई सहयोगी नहीं होगा। जो है वो आपको अकेले से ही करना पड़ेगा। अब यही बात गुरुदेव से कहे तो उनके पास समय नहीं रहता, और वो यही कहेंगे कि गुरु मंत्र दिया है वही जपते रहो। तो ऐसे में हमें चाहिए कि कोई हमें प्यार से समझाए, क्योंकि इस मार्ग में हमें श्री जी का प्यार अंदर से प्राप्त होता है, पर बाहर से नहीं। इसलिए हमें वो आभास बाहर से नहीं हो पाता, और बाहर से कोई आपके पक्ष में नहीं होता। क्योंकि यदि आप किसी से भी ये बात कहोगे तो वो ही आपका अपमान करता है कि अरे भाई, ये सब करके सन्यासी बनोगे क्या, या ब्रह्मचर्य धारण करके नपुंसक बनोगे क्या। ऐसी ऐसी निंदास्पद बातें करके वो हमारा अपमान करते हैं, तब हम अंदर से और ज्यादा हताश होके गिर जाते हैं। तो ऐसे में केवल परमदेव के ऊपर भरोसा दृढ़ रखे, क्योंकि वो ही एक ऐसे है जो हर समय आपके पास रहकर आपके आश्रुओं को पोंछते हैं। तो डरना मत आकर्षण से, कभी टूटना मत आकर्षण को देखकर। आप जिस मार्ग के पथिक हो, वहां आपके हरि सदैव आपकी रक्षा में है। कुछ भी हो, परास्त मत हो। आप जिसके शरणागत हो वही आपका सहयोगी बनेगा, कोई और नहीं। आपकी गलतियां त्रुटियां वही दूर करेंगे, वही आपको परम पवित्र करेंगे, बिना औषधि के घाव भर देंगे, और अंत में वही आपको अपने धाम ले जाएंगे। शुभम भवतु, कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें, और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।